हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम वंदना शर्मा फ्रॉम GCSE स्कूल। आज हम क्लास फिफ्थ में हिंदी रीडर में चैप्टर नंबर 15 पशुओं की महासभा की आगे की रीडिंग आपको कराएंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 72 ओपन करेंगे और मेरे साथ साथ इसकी रीडिंग करेंगे। हमने आपको यहाँ तक रीडिंग करा दी थी, अब आगे की रीडिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाइयों, अनेक वक्ताओं ने आपके सामने अपने विचार रखे। इस विषय में मुझे यही कहना है कि हम अपने प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहते हैं, उन्हें नगर, गांव और हमें वन चाहिए। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, वे ही हमारे वनों में आकर हमारी हत्या करते हैं अथवा हमारा अपहरण कर ले जाते हैं। अब से सभी वनवासियों को पूर्ण रूप से सावधान रहना होगा। कहीं भी मनुष्य दिखाई दे, सभी शोर मचाकर जंगल सिर पर उठा लें और हमला करने के लिए उसकी ओर दौड़ें, उसे जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दें। अब मैं पक्षियों से कहना चाहता हूँ, क्या उन्हें अपने विषय में कुछ कहना है? तोता टाएं टाएं करने लगता है। भाइयों, मुझे लगता है कि संसार भर में मेरी अनेक सुंदर व अलग अलग रंग रूप की प्रजातियां हैं। मनुष्य अपने घरों की रौनक बढ़ाने के लिए मेरी जाति को पिंजरों में बंद रखता है। पिंजरा चाहे सोने का हो या उस हो, क्या उस परतंत्र यानी गुलामी जीवन में कोई प्रसन्न रह सकता है? मेरी जाति एक बार पिंजरे में जाने पर वहीं प्राण त्याग देती यानी मर जाती है। भला तोतों ने मनुष्य का क्या बिगाड़ा? कोई हमारी गलती तो बताए। मनुष्य यह मानता है कि संसार में सभी जीव उसके गुलाम हैं, वही उसका भगवान है। महानुभावों, हम कोई भी रीति अपनी रक्षा की अपना लें, मनुष्य उन सबको विखंडित करके मनमानी करेगा ही। यह सदा से हम पर अत्याचार करता आया है। वह तो अपनी जाति के लोगों को किसी ना किसी रूप में गुलाम बनाकर रखता है। एक और उन अनेक मानवीय संस्थाएं वनों और पशु पक्षियों की रक्षा का बीड़ा उठाती हैं, दूसरी ओर अत्याचारी लोग हमारी टोह में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी छोटी छोटी बंदूकें लेकर हमारा शिकार करते हैं। हम पक्षी तो बेबस हैं, कहाँ जाएं, क्या करें? तभी घनघोर घटा छा जाती है और बिजली कड़कड़ाती है, जमकर पानी बरसने लगता है। आगामी सूचना तक सभा विसर्जित कर दी जाती है, यानी कि सभा समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, ये हो गई आपके चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट। सभी बच्चे इस वीडियो से उसकी रीडिंग करेंगे। तो टुडे होमवर्क, रीड चैप्टर 15। आज की क्लास में इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।